So what's up everybody, welcome back to my channel. This is Sajagar is back again with a new day, new vlog. And आज का जो vlog है that is not going to be an extraordinary kind of. इसमें मैं कोई नया जगह explore नहीं करने जा रहा हूँ, ना ही कुछ नया चीज करने जा रहा हूँ. But in this vlog I am gonna share my like livelihood of Mumbai, like कैसा मेरा like expense है, कहाँ रहता हूँ मैं, कैसा मेरा traveling होती है और मैं college कैसे जाता हूँ एंड मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी कितनी है. सो बेसिक ऑल द डिटेल्स आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस ब्लॉग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस, ये जो मुंबई की एक्सपीरियंस है जैसा भी है वो शेयर करूँ आपसे. और अभी करेंट जो 12th है वो अपना स्कूलिंग खत्म करने ही वाले, एंड उसके बाद मे बी उनमें से बहुत जन ऐसे होंगे जिनको मुंबई आना है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं एज अपने एक्सपीरियंस के तौर से शूट करके शेयर करना चाहता हूँ. क्योंकि मुझे मुंबई पे तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं, और कैसा रहा मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज का भी एक्सपीरियंस. जी हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर कब का खत्म भी हो चुका है, राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर. तो ये सब कुछ मैं इन डेप्थ, मतलब जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ रह सकते हो मुंबई पे, एंड कौन सी लोकेशन की प्राइस कैसे हो सकती है, और कैसा कैसा आपका बजट बन सकता है एक महीने भर का, तो वही शेयर करने वाला हूँ. बेसिकली फिलहाल आते हैं हम स्टेइंग पे कि मुंबई में फिलहाल मैं कहाँ रहता हूँ एंड व्हाट इज माय करंट लिविंग एक्सपेंस. सो बेसिकली दिस इज द फ्लैट वेयर आई एम स्टेइंग, दिस इज अ 1 BHK अपार्टमेंट. तो ये है मेरा हॉल एंड ये कुछ इतना सा ही स्पेशियस है, एंड दिस इज वन विंडो विच वी गॉट. और यहाँ पे आते हैं हम फॉर दिस किचन स्पेस. सो ये रही मेरी किचन, प्लीज इग्नोर दिस मेस. अभी भाई आएगी तो शी विल डू एवरीथिंग, शी विल क्लीन इट एंड बस. और इसी के साथ यू गेट वन लाइक रूम लाइक दिस. दिस इज अ बेडरूम, दिस इज नॉट दैट बिग कंपेरेटिवली टू माई हाउस, बट बॉम्बे में इतना ही मिलता है भाई साहब. तो मुंबई में इतना ही आपको, मतलब कि जितना बजट है आपको उस हिसाब से इतना ही मिलता है. सो इस छोटी सी कमरे को मैंने फिलहाल यहाँ पे थोड़ा गेटअप, यहाँ पे मैं पोस्टर्स वगैरह लगाने वाला हूँ, बट हाँ इस छोटी सी कमरे को मैंने अपना बेडरूम बना लिया और अपना वर्क स्पेस बना लिया. तो दिस इज माय वर्क स्पेस, यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ एंड दिस इज वेयर आई एडिट, राइट नाउ आई वाज स्टडीइंग. या सो दिस इज माय कम्फी चेयर. तो बस इतना ही है, एंड गेस द रेंट ऑफ दिस टोटल स्पेस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ. अपार्टमेंट के लिए मुझे पे करना पड़ता है 70,000 rupees पर मंथ, एंड दैट इंक्लूड्स ओनली स्टेइंग, मतलब ये रेंट है, ठीक है. इसके साथ बिजली का बिल अलग आता है. सो दैट इज मेरा ज्यादा कुछ आइटम्स है नहीं, जस्ट लैपटॉप, चार्जिंग पॉइंट्स एंड वन कूलर. कूलर भी बहुत कम चलता है, चलता नहीं है ज्यादा, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई हैव अ स्मॉल सीलिंग फैन ओवर हियर एंड दिस स्मॉल फैंस लाइक वर्क सो फास्ट एंड इतनी जल्दी आपको, मतलब कि रूम ठंडा कर देता है. सो इसीलिए बेसिकली पड़ता नहीं है, बट ठीक है. फॉर अ सेफ साइड 1,000 rupees फॉर दिस बिजली का बिल के लिए काफी रहता है. एंड और एक बात कि व्हाई डिड आई चूज अ पर्सनल फ्लैट इंस्टेड ऑफ अ पीजी. सी पेइंग गेस्ट भी मुंबई में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. अंधेरी वेस्ट में पीजी यहाँ पे स्टार्ट होती है 13,000 से ही, जस्ट फॉर स्टे 13,000 फॉर वन बेड. एंड यू विल शेयर, यू विल बी शेयरिंग दैट पर्टिकुलर रूम विद योर रूम पार्टनर. तो एक रूम पे दो जन रहेंगे, देर विल बी टू सिंगल बेड्स विद एसी एंड वन कवर्ड. सो दैट विल बी 13,000 फॉर स्टे. एंड लाइक एसी का आप जो रूम पे रहते हो वहाँ पे एसी चलाओगे, तो वो पर्टिकुलर रूम का रेंट आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर शेयर करोगे. एंड कंप्लीट जो अपार्टमेंट रहता है उसका रेंट पूरे अपार्टमेंट में जितने जन है उसके साथ, मतलब कि मेन बस करके आप स्प्लिट करके देन यू विल पे. एंड खाने का अलग रहता है. सो यहाँ पे वन टाइम, मतलब कि टिफिन सिस्टम भी होती है यहाँ पे. सो ये हो चुका है आपका रहने का. सो ऑल ओवर रहने का जो आपका खर्चा है वो 14,000 का है, ठीक है. एंड उसके साथ आपको लाइक खाना का सीन देखना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेइंग इन पीजी एंड स्टेइंग इन पर्सनल फ्लैट इज लाइक पीजी पे भी आपको काफी सारे पीजी ऐसे है जहाँ पे आपको लाइव किचन मिल जाता है. लाइव किचन इज लाइक जहाँ पे आप छोटी मोटी खाना लाइक बना सकते हो, मतलब कि अगर आपको खाना गर्म करना है या फिर रात को भूख लग गई तो आप मैगी बना के खाना चाहते हो, सो दिस थिंग्स आर अलाउड. बट प्रॉपर एकदम एक मील प्रिपेयर करके खाना इज नॉट अलाउड इन पीजी, बिकॉज हाँ आप बुला नहीं सकते मेड को.
तो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच इज नॉट अलाउड इन मुंबई पीजी. तो आपको खाना का जो है सोर्स वो आपको बाहर से करवाना पड़ेगा. यहाँ मतलब कि बहुत सारे मेस है, टिफिन सिस्टम है, जहाँ पे आपको घर पे डिलीवर किया जाता है, घर जैसे खाना डिलीवर किया जाता है कि हाँ चार रोटी दाल सब्जी दो सब्जी चावल ये सब एक टिफिन आती है मुंबई, तो उसमें आपको मिल जाता है. तो एक टाइम का उसका खाना का लाइक प्राइस है लगभग 2500 से 3000 रुपीस. तो लंच और डिनर मिलके आपका खाने का हो जाएगा आपका समथिंग अराउंड 6000 रुपीस जैसा, ठीक है. सो 14000 प्लस 6000 फॉर टू टाइम मील इज योर 22000. एंड आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा. सो ब्रेकफास्ट के लिए आप खुद बना सकते हो, बिकॉज छोटी मोटी खाना है वो, ब्रेड ऑमलेट बना लिया आपने, बॉयल कर लिया अंडा, दैट्स डिफरेंट. सो उसके लिए 2000 रुपीस पकड़ लो. सो 20000 प्लस 2000 फॉर ब्रेकफास्ट, नाउ इट्स 22000 फॉर योर स्टेइंग एंड फूडिंग. कैसे ट्रेवल करता हूँ और क्या रहता है उसका एक्सपीरियंस अभी फिलहाल वो शेयर करेंगे. तो बिना लेट हुए लेट्स गो एंड लेट्स गेट इनटू द कॉलेज. अभी स्क्रीन पे आपको दिस इज अ मेट्रो कार्ड, एंड ये मेट्रो कार्ड बनाने का लाइक बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि दिस चार्जेस यू 800 रुपीस. बट लिसन गाइस, 800 रुपीस पे आप अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हो मुंबई मेट्रो पे. तो आपको हर बार नया टिकट खरीद के आपको नहीं जाना. न्यू टिकट चार्जेस यू 20 रुपीस फॉर टू स्टेशन, और उसके बाद जितना भी स्टेशन आप जाते हो तो आपको 10 प्लस एड करते जाना है. तो इसके लिए मैंने तो मेरा एक अपना लाइक पर्सनल कार्ड बना लिया है. तो ये मंथली 800 रुपीस चार्ज करती है, 800 रुपीस में आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर पाते हो. अगर मैं उस कार्ड को साइड पे रख के अगर मैं नॉर्मली देखूँ मेरा लाइक डेली मेट्रो से आने जाने का एक्सपेंस, तो वो होती है समथिंग अराउंड 80 रुपीस पर डे को इंटू 3 करो तो 2400 मेरा लाइक डेली लगता है अगर मैं नॉर्मल टिकट में ट्रैवल करूँ. वहीं पे मेरा 800 में हो रहा है, बिकॉज एक तो मेरे को कॉलेज से आना टू टाइम्स ट्रैवलिंग मेट्रो, एंड देन आई गो टू जिम, आई कम फ्रॉम जिम टू टाइम्स फोर टाइम्स, एंड देन आई गो टू माय एक्टिंग क्लास विच इज़ इन वर्सोवा. तो वहाँ पे जाता हूँ एंड वहाँ से भी वापस मेट्रो पे चढ़ के डी एन नगर आता हूँ. तो वहाँ पे दो बार, तो इट्स 80 रुपीज पर डे एंड 2400 स्टैंड, बट आई ओनली पे 800 रुपीज. इट्स वेरी वेरी लाइक ईजी फॉर मी. Meanwhile, सही ना? ऐसे लग रहा कंचन हम भी चल रहे हैं, फंस गए. बोल बोल यार त्री. यहाँ से मोंची. मोंची. How I go to my college from Bandra station, और college से मैं Bandra station वापस कैसे आता हूँ. So यहाँ पे मुंबई पे दो टाइप की ऑटो चलती है, एक रिजर्व ऑटो जो आप पर्सनली लाइक रिजर्व करके आप कहीं भी जा रहे हो कहीं भी आ रहे हो मीटर बेसिस पे आप उसको पे कर रहे हो, और एक आती है यहाँ पे शेयरिंग ऑटो. सो शेयरिंग ऑटो चार्जेस यू 10-15 रुपीज. आप मतलब कि आप जो रहते हो आपके साथ अलग दो बंदे रहते हैं, तो तुम लोग स्प्लिट करके बेसिक प्राइस विच इज 15 रुपीज यू पे. लाइक वो ऑटो वाला हम लोग को रिजवी कॉम्प्लेक्स तक छोड़ देते हैं 15 रुपीज पे. तो मेरा जाने का 15 आने का 15, सो इट्स 30 रुपीज. सो 30 × 3 900 रुपीज. इट्स 900 रुपीज फॉर माई ऑटो फेयर. 900-800 इट स्टैंड फॉर 1700 फॉर माई दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंस फ्रॉम माई होम टू कॉलेज. और यहाँ पे मैंने अपना लाइक ट्रेन लोकल ट्रेन का भी पास के बारे में आपसे शेयर किया.
तो इसका 130 फॉर 3 मंथ्स व्हिच स्टैंड्स फॉर 4344 रुपीस पर मंथ, 1750 फॉर माय होल ट्रैवलिंग चार्जेस, पर फिर भी मैंने फॉर सेफ साइड 2000 रुपीस रख लिया है, बिकॉज कभी कभार मन कर जाता है कि थोड़ा लाइक मरीन्स जाना है या फिर लाइक साउथ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह जाना है, तब भी उसमें भी ट्रैवल एक्सपेंस लग ही जाता है। तो ओवर एंड आउट 2000 रुपीस फॉर ट्रैवलिंग पकड़ लो आप मुंबई की ट्रैवलिंग के लिए, बट रेस्ट इज सॉर्टेड। एंड जब तक स्टूडेंट हो मुंबई पे, अगर आ रहे हो स्टूडेंट हो कॉलेज में पढ़ रहे हो, देन डू लाइक ग्रैप ऑल दी लाइक स्टूडेंट फैसिलिटीज, ऑल दी स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको बस में भी कंसेशन मिल जाता है, आपको ट्रेन के लिए कंसेशन मिल जाता है, मेट्रो के लिए नहीं मिलती बिकॉज मेट्रो इज कम्प्लीटली अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये रिलायंस ओन करती है, बट बेसिकली गवर्नमेंट चीज़ें जो जो भी है उसके लिए जितना भी आपको लाइक आप ग्रैप कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज ग्रैप कर लो। मोटा मोटा खर्चा का बात किया जाए तो लाइक ओवर एंड आउट मेरा आई कैन एस्टिमेट कि मेरा 25,000 तक हो जाता है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट हैपन अंडर 25,000, बट हाँ कभी कभार थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है कि कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ मतलब कि अगर आप मुंबई पे लाइक प्राइवेटली मतलब अकेला रह के अपना काम अपना स्टडी सब कुछ मैनेज करना चाहते हो एंड यू आर नॉट एट ऑल लाइक अ वेरी हैपनिंग पर्सन इन द सेंस कि हाँ लाइक पार्टीज वगैरह आप उतना नहीं करते हो, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर लाइक डेली लाइफ नॉर्मल लाइफ, तो फिर आप लाइक यू कैन ईजिली मेक इट हैपन विद 20-25,000। बट इफ यू आर पार्टी पर्सन, मैं ये नहीं बता रहा कि पार्टी पर्सन होना गलत बात है या फिर समथिंग अराउंड, बट मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव गाइज, यहाँ पर नॉर्मल लाइफ ही मतलब कि इतना बजट में हो रहा है। तो सोचा अगर आप पार्टी पर्सन हो, अगर आपको लाइक वीकेंड्स पे पार्टी भी करनी है, यू हैव टू लिव इन मुंबई ऑल्सो, तो फिर आपको थोड़ा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। स्टेइंग इन अंधेरी इटसेल्फ तो आपका बजट 35 तक तो जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हर एक पब में एंट्री स्टैग एंट्री ही आपका 5,000 से 6,000 का है। लेकिन हाँ अगर आप 2-3 महीने पे एक बार जा रहे हो चिल कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, वो अलग बात हो गई, दैट वोंट मेक बिग चेंज इन योर बजट, दैट वो हिला नहीं देगा आपका बजट को। बट हाँ अगर आप लाइक जेन्युइनली वीकेंड्स को एंजॉय करना चाहते हो एंड मतलब कि फुल ऑन मुंबई लाइफ जीना चाहते हो, तो भैया फिर तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब डिपेंड्स आपको अब दिक्कत हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, बट आप जस्ट सेइंग कि आपका बजट थोड़ा हिल सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है रेंजेस का। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। If you enjoyed it, then don't forget the like button. And if you're new to this channel, then क्या कर subscribe करते हैं, join the साल जगर family. मिलते हैं अगले किसी ऐसे vlog या video पे, तब तक के लिए bye bye, check care, शबक है। And the reason behind me being like very irregular in this month of September in my YouTube channel is my exams. तो कल से मेरा internal exams start हो रहे हैं and एक ही दिन में दो exams देने हैं हमको। तो 2020 and 2030 I'll be having my back to back exams and उसके बाद थोड़ी सी टाइम मिलेगी मुझे, कैन एक्सपेक्ट, आई एम स्टिल होपिंग। तो तब दबा के लाइक कंटेंट प्रोड्यूस करने का मेरा प्लान है, तो सब कुछ लाइंड अप है कि इसके बाद ये आने वाला है। इसके बाद मैं अपना लाइक मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या कोर्स है मेरा एंड माय एक्टिंग अपडेट के बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा तो लाइक दबा दो, अगर नहीं भी लगा हो तो फिर भी लाइक दबा दो। बाय।